ना मांगे हिसाब के तहत जो ये अभियान चला हुआ है पूरे हरियाणा प्रदेश में है, द्वितीय चरण में है। आज चौधरी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस की नीतियों को लेकर जा रहे हैं और भाजपा सरकार से हिसाब मांग रहे हैं कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक डर का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो है द्वेष भावना के तहत काम किया। कोई भी आदमी है, जो भी पक्षी पार्टियां हैं, सबके उम्मीदवार जो भी है, कोई भी समाज सेवी है, अगर भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं। इस प्रकार के भाजपा ने काम किए हैं। भाजपा ने जो भी खोखले वादे करे हैं, हवा में बातें करी है, धरातल पे कोई कार्य नहीं करा। इसलिए जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो एक जागृति पैदा करी है, पूरे जनता में जो है कांग्रेस के प्रति एक लहर है। आने वाले जो है 2024 के चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से हरियाणा प्रदेश में अपना परचम लहराएगी और फिर से हरियाणा के लोग जो है खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भाजपा के इस कार्यकाल में महंगाई बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है, हर आदमी दुखी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है। इसलिए जो है हरियाणा प्रदेश का हर आदमी भाजपा सरकार से दुखी है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस भी शहर में जा रहे हैं, जनता में भारी जोश है और जनता जो भारी जोश के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। आज हमने भी हल्का रादौर में यात्रा पहुंचने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत आभार करते हैं और इसके लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आभारी रहूंगा कि उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो लहर बनाई है कांग्रेस के प्रति, ये एक अलग ही माहौल देखने का है, क्योंकि आज हर जिले में कांग्रेस की जो लहर चली हुई है, एक अंधी एक तूफान चला हुआ है, ये कोई संदेह नहीं है। इसमें जब 4 तारीख को वोटिंग होगी तो कांग्रेस के पक्ष में स्पष्ट बहुमत आएगा और जो आसपास के प्रदेश है जहां पर चुनाव होने हैं, उस वहां पर भी जो हरियाणा प्रदेश की ये बात पहुंचेगी किस तरह से चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने और भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपने हरियाणा प्रदेश को जागरूक करा। और ये जो भाजपा का शासन है, इस अभिमानी सरकार का मुंह तोड़ जवाब दिया।